वापिस भी ले लेता हूँ जी, जल्दी देता हूँ ये चीजें मैं। तो ये भी भाई कमानी पड़ती है, मेरी टेस्ट कैप है ये। नत के बाहर शाहरुख खान खड़ा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैंने लास्ट वीडियो जब बनाई थी उसको एक वीक हो गया, और बहुत टाइम से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि जब भी मैं हेयर कट कराता हूँ ना तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे मैं अजीब सा लग रहा हूँ या कुछ भी, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को अंदर से। मेरे को क्या, जितने भी लड़के हैं आप लोग रिलेट कर सकते हो, कोई भी नहीं बनाता ऐसे, मतलब कोई भी बाहर जाने में कंफर्टेबल है। मैं तो इतना मतलब वो है ना, एक बार मेरे को याद है मेरे को एक लड़की ने डेट पे बुलाया था और मैं ना बाल कटा लिए थे, मैं बहुत एक्साइट था मिलने के लिए बट मैं जा नहीं पाया जस्ट बिकॉज मैंने बाल कटा लिए थे। उसके बाद उस लड़की ने जोवेल को बुला लिया था, फिर जोवेल ने उस लड़की को डेट किया। बट चलो ये सब तो हंसी मजाक की बात है, अभी मेरे को जाना है, कुछ काम है, चलो वहाँ चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो मैं राजेंद्र नगर आ रखा था जूस पीने, जूस की दुकान के वहाँ पे, और आज बहुत बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा यार कुछ हैपनिंग सा करते हैं। क्या करें, कुछ हैपनिंग बताइए यार काकू। फोन ले ले, फोन मेरी क्वालिटी जैसे बनाता हूँ यूट्यूब की, तेरे को ऐसे कुछ कमी लगती है आवाज नहीं क्वालिटी? नहीं सब बढ़िया। नहीं ये तो फोन नहीं ले रहे यार, फोन तो अभी है ही मेरे पास, एक ही जनरेशन पुराना है। शुभम तू बता क्या लूँ? तू बाइक ले ले यार। बाइक कौन सी? ये रॉयल एनफील्ड की ले ले। चलो ये रॉयल एनफील्ड की बाइक देख रहे हैं, चलो देख के आते हैं, अगर अच्छी लगी तो वहीं से ले लेंगे रॉयल एनफील्ड की बाइक। तो भाई शोरूम आ गया, शोरूम में बाइक देख रहा हूँ, कौन सी मैं समझ नहीं आ रही। एक तो ये बाइक, ये कौन सी है काकू? हंटर। ये हंटर है, ये कौन सी है? मीटियोर 650 न्यू वन। कौन सी? मीटियोर 650। पता नहीं भाई, कॉन्टिनेंटल नहीं, ये कौन सी इंटरसेप्टर है ना ये? गाइस जल्दी बताओ। मैंने बाइक पसंद कर ली, ये वाली बाइक पसंद कर ली मैंने 350, बट कलर कौन सा पसंद किया है मैंने? ब्लैक, ब्लैक स्टेलर ब्लैक पसंद किया है, वो यहाँ पे है नहीं, अभी पेमेंट के बाद मिलेगा वो। मैंने बाइक फाइनल कर ली, ये वाली बाइक है मेरी ये, लेकिन आज नहीं मिलेगी, पेमेंट तो सारी कंप्लीट हो गई आज, लेकिन ये कह रहे हैं ना कल आके लेना। काकू हैप्पी है ना, कैसी लगी तेरे को? बढ़िया बढ़िया है ना, तो ये बहुत हैप्पी है, अभी ना ये मेरे को मिलेगी, कल मिलेगी ये कह रहे हैं, आज है नहीं इन पे, कल आके लेनी पड़ेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पेमेंट अपडेट होती है, उनके पेमेंट अपडेट होती है, जो भी होता है इनका खुद प्रोसेस है, कोई नहीं मेरे को कोई ऐसा था नहीं, कल आके ले लूँगा, अब मैं हैप्पी हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। हमने फाइनल कर ली थी बाइक, बट अब ना हम यहाँ पे आए हैं। आज यहाँ कौन सी बाइक मिलती है अच्छी? डोमिनार लेते हैं फिर एक। गाइस मैं फाइनली डोमिनार लेके आ चुका हूँ, वो तो मेरे को कल मिलेगी, पर डोमिनार मेरे को भी मिल चुकी है, ये रही मेरी डोमिनार, ग्रीन कलर में मैंने ली है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एक बार पहले मैं राउंड ले लूँ, अभी तो मैं चला ली, बहुत मज़ा आया, बट एक राउंड और ले लूँ आपके सामने, आपको भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अभी बहुत देर चला ली इसको, बहुत मज़ा आ गया मेरे को, बहुत मज़ा आया इसको चलाने में, लेकिन यार मैं थोड़ा बोर हो गया क्योंकि ना मेरे को एक बाइक एक और आने वाली है दो दिन बाद, तो मैं बहुत बोर हो चुका हूँ इस बाइक से। मैं सोच रहा था ना कि यार मैं तो बाइक जैसे लेता रहता हूँ, ये ना मैं किसी को गिव अवे कर दूँ आप में से कोई मेरे जो वीडियो रेगुलरली देखते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कोई, मतलब ऐसा मैं चाह रहा हूँ ना कोई कॉम्पिटिशन करूँ, कोई गेम खेलूँ ताकि सबको इवन चांस मिले, और कोई वैसे बंदे को दूँ जो मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखता है, तो कोई अगर गेम है मैं चैलेंज सोच रहा हूँ भी कैसे दूँ। मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कोई ऐसा चैलेंज हो या मतलब कोई लकी ड्रॉ हो जिससे मेरे को पता चल सके कि कैसे मैं बनाऊँ, कोई अगर आपको भी कुछ पता है या कोई, मैं चैलेंज सोच रहा हूँ या तो लकी ड्रॉ कर लूँ इसका। अरे उदय भाई आप? हाँ भाई। अरे भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। सब्सक्राइबर हो? सारी वीडियो देखते हो? सारी वीडियो देखता हूँ। दिखाओ। तो गाइस सब्सक्राइबर मिल गया है एक, सारी वीडियो देखता है, दिखाओ। हाँ यार ये तो सारी वीडियो देखता है, सही कह रहे हो यार। हाँ यार तुम, हाँ ये देखो भाई सारी वीडियो देखता हूँ। हाँ देखते हो? हाँ तो यार मैं वीडियो का इंतजार करता हूँ। करते हो? हाँ यार, तो मैं सोच रहा था जैसे मैं चैलेंज तो मैं सोच नहीं पा रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ ये भी मेरी सारी वीडियो देखता है तो वो सरप्राइज को दे दूँ। एक बात बताओ भाई, आपको बाइक वाइक चलानी आती है? आती है भाई। ये बाइक चला लोगे? चला लूँगा भाई। 400 cc है पर ये? अरे चला लेंगे ना भाई। चलानी आती? लाइसेंस है? लाइसेंस तो नहीं है, बनवा लूंगा मैं। पक्का बनाओगे ना? ऐसा तो नहीं चलाओगे ना? अरे ना ना बनवा लूंगा मैं। आपके बाल तो लेकिन सौरव जोशी की तरह लग रहे हैं। चलो कोई नहीं यार, तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, नहीं तो उसे ये बाइक है ना, इसकी चाबी कहाँ है? ये लो चाबी। सच में भाई आपके लिए गिफ्ट है, जाओ एंजॉय करो। अरे भाई तू, मैंने गिव अवे कर दिया है, बहुत एक्साइटेड है। कैसा भाई, खुश हो ना? यकीन नहीं हो रहा मेरे को आपने इतनी बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, आप बैठो और आप इसे घर ले जाओ। कहाँ रहते हो? पास ही रहते हो क्या? तो जाओ जाओ इसको बाइक लो और जाओ। अब वीडियो ऐसी देखो, सपोर्ट करो मेरे को, ठीक है? बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई चलो जाओ। पेट्रोल? क्या पेट्रोल? पेट्रोल पेट्रोल ही मैं भराऊं क्या? अरे बाइक जब आपने दिए तो हेलमेट भी दे देना साथ में। वापस भी ले लेता हूँ जी, जल्दी देता हूँ ये चीजें मैं। चलो भाई।
तो गाइस सब्सक्राइबर जा चुका है लेके, बहुत खुश था सब्सक्राइबर। जाओ 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 भाई, बहुत खुश है। तो ऐसी गिव अवे अब मैं सोच रहा हूँ ना रॉयल इनफील्ड का भी कर दूँ सब्सक्राइबर का, वापस बता। यार बहुत खुशी हो रही है, कोई मेरे वजह से किसी का दिन बन गया है। काकू मैंने वो कर दिया गिव अवे, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई। तेरे को चाहिए थी क्या? चाहिए तो एक बुलेट अभी ली है, वो गिव अवे कर देना। पागल है क्या? हर चीज़ गिव अवे नहीं करूँगा यार, अगर मैं वो भी किसी सब्सक्राइबर करूँगा तेरे को नहीं करूँगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब कर दिया आप। चलो यार अब तो हम तो पैदल हो गए हैं, अब वापस चलते हैं कहीं, देखते हैं आज का दिन कहाँ काटना है। चला कहीं घूमने गया। तो अभी मैं आ रखा था यहाँ पे, आ रखा था राष्ट्रपति भवन। वो काकू है, उसको कुछ काम था यहाँ पे, तो वो लाया था हमें अंदर। मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ आ गया था, दोस्त बन गया अभी मेरा सब्सक्राइबर यहाँ से। तो मैं इधर आ रखा था, और यहाँ पे जहाँ आ रखा हूँ ना मैं, यहाँ पे ना अभी फुटबॉल स्टेडियम है। पहले यहाँ पे ना क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, वहाँ पे ना मैंने इतने रन मारे हैं, इतने छक्के मारे हैं दूर दूर। मतलब अगर वहाँ से ये ICC में होता ना वो वाले मैच, तो मैं हर साल यहाँ पे वो जीतता, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होता जो बाबर आजम को मिलता है हर साल, जो मिलता है ICC बेस्ट प्लेयर, वो मेरे को मिल रहा होता अगर यहाँ के मेरे रन काउंट होते ना। तो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा रन मार रखे हैं मैंने अगर यहाँ के रन मेरे काउंट हो जाएँ, बट वो ये वो काउंट नहीं हो रहे, इसलिए मैं यहाँ रह गया हूँ आज यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। दोस्त कैसे बन गया तू मेरा? ऐसी मजा आ रहा था। कोई नहीं भाई, अब तू मजा आता है मुझे। चल कोई नहीं, ऐसी रह, तेरे को और भी गिव अवे मिलते रहेंगे। तेरे को इंडिया की कैप चाहिए क्या? टेस्ट मैच की जो मैं खेला था इंडिया के लिए। हाँ ये भी दे दो। ये नहीं दे सकता भाई, ये कमानी पड़ती है भाई। तो मैं मिल्खा सिंह देखी है मूवी? हाँ मिल्खा सिंह देखी है। उसमें इंडिया का ब्लेजर कमाता है ना वो? हाँ हाँ कमाता। तो ये भी भाई कमानी पड़ती है, मेरी टेस्ट कैप है ये, सबको नहीं मिलती है। तो मेरे को मतलब क्या क्या कमाना पड़ेगा कि मुझे? तेरे को ये इंडिया के लिए टेस्ट खेलना पड़ेगा। अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे कौन? तो ये अब नहीं मिल सकती तेरे को। तो भाई यही है, अब देखो फुटबॉल ग्राउंड बन गया। और फुटबॉल ग्राउंड से पता है हमें एक चीज़ याद आई, यहाँ की टीम से ना एक बार ना हमारा फुटबॉल का मैच हुआ था एम्बेसी के वहाँ पे, तो वो टीम ना बहुत अच्छी थी, हमारी टीम बहुत वीक थी। तो उसमें पता है क्या हुआ था, इनको देखो इतनी फैसिलिटी है, यहाँ खेलते हैं इतनी अच्छी जगह खेलते हैं, और हम तो ऐसे ही खेलते थे पार्कों में। लेकिन पता है फर्स्ट हाफ में उन लोगों ने 2 गोल मार दिए, सेकंड हाफ में हमारी टीम ने 3 गोल मार के 3-2 से हम जीत गए। उस दिन से यहाँ के लड़के ना इसकी और मेरी ताक में, क्योंकि हम दोनों ने डिफेंडर थे, हमारे वजह से जीते थे वो मैच। तो यहाँ आना हमारा सेफ नहीं है, इसलिए हमें छुप के घूमना पड़ रहा है, यहाँ पे हमारे दुश्मन है बड़े। तुम्हें आगे इतनी नॉस्टैल्जिक वाइब्स आ रही है ना इस ग्राउंड में। मैंने ना मतलब गर्मियों की जो छुट्टी होती थी ना जून जुलाई की, उसमें इतनी मतलब 2-2 बजे 3-3 बजे की गंदी धूप में ना काला होते हुए यहाँ क्रिकेट खेला है स्कूल टाइम पे। यार क्या बताऊँ, इतना खेला है ना यहाँ क्रिकेट। यार कहीं और चलते हैं सब्सक्राइबर, कहीं और चलते हैं, आ जाओ कहीं और घूम के आएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेफ नहीं है यार। यहाँ पे ना उन फुटबॉल मैच रहा था ना यहाँ की टीम को, तो उनके घर में चूल्हे नहीं जले थे, जले थे उस दिन, बड़े गुस्से में है वो, मारेंगे हम दोनों को। बैकअप भी नहीं है हमारा जो हमारे को बचाता, हमारी टीम में जो एक लड़ाकू था कि ना मेरा सब्सक्राइबर है ना ये शुभम, इसके स्कूल में आ रखे हैं, उसके स्कूल में ना ये ग्राउंड है। यहाँ पे ना 2 ग्राउंड है, एक जो पहले अभी दिखाया मैंने, ये दूसरा ग्राउंड है। यहाँ पे मैंने एक ही मैच खेला है, उसके बाद ना मेरे को बैन कर दिया, क्योंकि ये ग्राउंड है ना इसके वहाँ देखो आप ना यहाँ पे रहने की जगह है लोगों की। अब यहाँ पे मेरे को इसलिए बैन कर दिया ना, अगर मैं छक्के जो मारता हूँ ना, मैं छोटे मोटे नहीं मारता, सिंगल डबल का प्लेयर नहीं हूँ मैं, मार के खेलता था। अच्छा, तो यहाँ पे जो घर में लोग रहते थे ना उनके लिए ना खतरा बन चुका था मैं, तो मेरे को यहाँ पे बैन कर रखा है। बट सही है यार, उनकी भी डिसीजन सही है यार, उम्मीद छोड़ दी है। अब मेरा लेवल भी रहा नहीं ना यहाँ पे खेलने का, अब मेरा लेवल आपको पता ही इंडियन टीम का हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैं खेल नहीं सकता। अभी नागपुर में खेल के आया हूँ, अभी 17 तारीख से वहाँ फिरोजशाह कोटला में मैच है, वहाँ भी खेलना है। तो अब यहाँ पे देखने आया हूँ, लेकिन मेरे को पहचान ना ले यहाँ के लिए, मैं कपिल देव हूँ जैसे, लेजेंड हूँ ना मैं ये, लेकिन वही है मैं भी यहीं से खेल के बड़ा हुआ हूँ। और ये यहीं रह गए, ये यहीं रह गए, और मैं अभी 17 तारीख को मैच है, अभी 2-3 दिन का रेस्ट है मेरा, तब तक दिल्ली में घूमने आ गया था, अभी दिल्ली में ही है ना मेरा मैच फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस बार लास्ट टाइम तो मेरे को प्लेइंग नहीं मिली, लेकिन इस बार लग रहा है प्लेइंग मिल जाएगी। बस कर रहे कितना लपट पाएगा आपको यार, यहाँ से जल्दी निकाल लें, यहाँ मेरा ज़्यादा रहना सेफ नहीं है, तो पता है ना यहाँ की टीम को फुटबॉल मैच जब से रहा है ना, वहाँ के लड़के ना मेरे को मारने की ठान रहे हैं, क्योंकि अपने दम पे मैं जिताया था ना वो, तो उसकी खुशी में कर दिया था मैं, 2 डिफेंडर हैं पर ना इन सब ने तो गंदी डिफेंडिंग की थी, मैंने अपने दम पे मैच जिताया था, बाकी ये तो खेलने ही नहीं आया था। अब तो आए बिरयानी खाने के लिए, मैंने ली है प्लेन वाली बिरयानी, इन दोनों ने ली अनहेल्दी मसाले वाली बिरयानी। देख रहे हो क्या पकड़ा गया था साला, क्या देखते हुए उल्टी सी चीज़ देखता रहता है फ़ोन पे दिन भर। सिंगल बिरयानी तो खा ली, अब हमारा मन कर रहा था शोरमा खाने का, तो अब आए हैं शोरमा खाने। चलो अब वो दिखाता हूँ कैसा उसका टेस्ट। चलो भाई शोरमा आ गया यहाँ पे, इसने लिया है बर्गर लिया है इसने, और हमने लिया है शोरमा। क्या शोरमा खा लिया, शोरमा मैंने खिला दिया, खाओ और कुछ खाएगा? चलो और कुछ नहीं खाएगा, वरना और कुछ खाता वो भी खिला देता, बट चलो अब चलते हैं वापस। जैसे कि मैं इतना बाहर का खाता रहता हूँ, फिर भी मैं इतना हेल्दी हूँ ना, तो मेरे को देख के ना इन लोग का भी ना जिम ज्वाइन करने का मन कर गया, तो ये लोग एक जिम के लिए आए, इनको मैं जिम ज्वाइन करवा रहा हूँ। ये कोई जिम है
जहाँ पे इनकी बात बात कर दूँ। चलो चलते हैं अंदर, पूछते हैं, चला जा। कहते जिम तो बंद है बट एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि लॉकडाउन में जिन बंदों ने इंजीनियरिंग पास की है ना, वो बंदा कैसे काम करता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये जिम है, ऊपर भी जिम का फ्लोर है, तो यहाँ से सीढ़ी देखो, सीढ़ी दिख रही है, ये सीढ़ी ऊपर जा रही है और देखो खिड़की है, वहाँ पे गेट ही नहीं है। तो यही होता है जिस जैसे बंदों ने लॉकडाउन में पास किया है ना ऑनलाइन एग्जाम में, जैसे काकू ने एग्जाम पास किया है लॉकडाउन वॉकडाउन में, पढ़ाई नहीं की इंजीनियरिंग, ऐसा काम करते हैं। समय जिस रोड पे मैं अभी हूँ ना, वो हमेशा खाली रहती है, पर यहाँ पे किसी ने यहाँ पे खबर दे दी कि मैं आ रहा हूँ, और इतनी भीड़ हो गई है ना, कभी और दिन दिखाऊंगा जब मैं छुपके से आऊंगा, ये रोड ना एकदम खाली रहती है, बट आज खबर दे दी किसी ने मैं आ रहा हूँ, मेरे को सब्सक्राइबर आ गए इतने सारे। जल्दी चलो, जल्दी चले यहाँ से, जल्दी निकाल काकू, बहुत भीड़ हो गई है, देख आगे तक जाम हो गया भाई, ये भी नुकसान है मेरा फेमस होने का। इंडिया खेल लिया ना, जब से इंडिया खेल लिया मैंने तब से ये अपने साथ रख लिया, इसे अच्छा लड़का है यार, रख लिया दोस्ती, रख लिया ग्रुप बना लिया इसका, ठीक है। और बाहर इतना मीटअप के लिए फैन आ गए थे यार, कर रहा था ये भीड़ ना मेल लेनी है, ये यहाँ पे ना मुगल देख, मुगल गार्डन देख, मुगल गार्डन नहीं, अमृत उद्यान, मुगल गार्डन वही, वो देखने आए हैं यहाँ पे बंदे। बट एक टाइम ऐसा आएगा ना, जैसे यहाँ पे इतनी भीड़ आई है ना मुगल गार्डन देखने, कुछ टाइम बाद यहाँ पे बंदे आएंगे देखने कि मेरे ब्लॉक की यहाँ पे शूटिंग हुई थी उदय कनेक्ट्स की, तो इसलिए यहाँ भीड़ लगेगी कि यहीं पे शूटिंग हुई थी, एक टाइम ऐसा भी आया। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ यार भीड़ आ जाती है, फैन आ जाते हैं। जन्नत के बाहर शाहरुख खान खड़ा है भाई साहब। दिन की दूसरी चीज़ ले ली, बाइक तो ले ली थी, अब दूसरा एक फ़ोन ले लिया है मैंने, ब्लैकबेरी का, जो कि बैन हो गया है, बहुत तगड़ा फ़ोन ले लिया मैंने, ये बैन है पर इंडिया में मिल ले, अंकल ने मेरे को दिला दिया, अब इसे मैं बात करूँगा फोन वोन पे लग के। और कौन सी भाई क्रोमा रखे हैं, ये वाला फ़ोन दिखाइए, बहुत तगड़ा फ़ोन है ये गाइस, ये कौन सी कंपनी का फ़ोन है, जल्दी बताओ गाइस, कमेंट करो कौन सा फ़ोन लूं। हेलो गाइस, दूसरा फोन ले लिया मैंने अपना, बहुत तगड़ा फोन लिया है मैंने, इसमें कॉल करने के लिए नंबर ऐसे मिलाते हैं इसमें। हेलो गाइस, जब से फेमस हो गया हूँ ना, अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अब तुम्हारा भाई गन रखने लग गया। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे हैं, कोई जहाँ बोलेगा ना ऐसे ये अंकल ने बेची है, तो तुम्हारा भाई हमेशा पार्कोर में बहुत आगे था, पूरे दिन मस्ती वस्ती करके अब मैं आ चुका हूँ फाइनली तालपुरा बैडमिंटन खेलने के लिए, अब यहाँ पे आके बैडमिंटन खेलूंगा, बट थोड़ी हवा चल रही है इसलिए मैं डाउटफुल हूँ, बट जो भी है आप खेलते हैं एक आध गेम फिर देखता हूँ। ओके, तो बैडमिंटन खत्म हो गया, अभी मैं आ रखा था चाय पीने, क्योंकि यार दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, काफ़ी ब्रीज चल रही है, इसलिए हम लोग आए हैं चाय पीने सारे, यहाँ पे चाय का वेट कर रहे हैं।